बात की कि जो लॉजिकल ऑपरेटर का जो इस्तेमाल है वो हम फर्टिलाइज़र पे कर सकते हैं, खेतों में पानी लगाने का जो सिस्टम है उस पर हम कर सकते हैं। अच्छा, तो जाहिर है जब खेतों में पानी लगाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें चेक की जाती होंगी, ऑफ कोर्स उसके बाद ही उसको पानी दिया जाता होगा। तो हमाद ने जैसा कि जिक्र किया कि उसमें सॉइल की ह्यूमिडिटी को चेक, सॉइल में वाटर का लेवल चेक किया जाता है, इस वक्त मौसम में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको चेक किया जाता है, और प्लांट की जो एज है वो भी उसको नज़र में रखा जाता है, फिर कौन सा फर्टिलाइज़र डाला ये भी नज़र में रखा जाता है। तो हमारी कंडीशन अब कैसे बनेगी? मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि वाटर का लेवल ना 1 से लेके 100 के दरमियान कहीं पर होगा। वाटर का लेवल ग्राउंड में 1 से लेके 100 के दरमियान मुझे मिल रहा है, सेंसर से मिल रहा है, कोई बंदा बता रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मुझे मिला वाटर का लेवल 40% ज़मीन में, 40 मिला, कोई यूनिट होगा उसका, लीटर 40 लीटर कुछ भी 40 मिला मुझे। अच्छा, और मुझे क्या मिला? हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा मिला, 70-80% मिला। ठीक है, हवा में जब नमी ज़्यादा होती है तो धूप बहुत सख्त होती है, कड़क होती है, धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और वो धूप जहाँ से भी गुजरती है ना वो पानी लेकर गुजरती है साथ में, क्योंकि चूँकि गर्मी से पानी वेपर बन जाता है तो वो पानी अपने साथ ही ले जाती है। ठीक है, नमी हवा में ज़्यादा हो और अगर सख्त धूप भी हो तो वो हर चीज़ को ड्राई कर देता है असल में। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है और पानी भी ज़मीन के अंदर कम है तो मुझे पानी अलग से देना पड़ेगा, तो इसमें बीच में एंड या और लगाना पड़ेगा मुझे, कि अब ये जो फर्टिलाइज़र से ताल्लुक़ है जिसका, उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कितना पानी कम है और कितना है तो मुझे देना है। तो इसमें एंड या और 3-4 फैक्टर हैं, इन तीनों में एंड लगा के अगर तीनों में से कोई एक भी हो या तीनों हो इस तरह करके लगाया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो थोड़ी ज़्यादा डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन था, जो हमारा डोमेन नहीं है, ये किसान जो होता है उसको ज़्यादा बेहतर पता हो। तो हम कोई ऐसे डोमेन की बात करते हैं, यही वाली एग्जांपल हम किसी ऐसे डोमेन में लगाते हैं जिसका हमें भी अच्छे से आइडिया है, जैसे कि क्या बड़ी अच्छी एग्जांपल आई थी मेरे जहन से ही निकल गई। हाँ हाँ तो जो लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि सर लॉजिक बिल्डिंग कैसे बनेगी, लॉजिक बिल्डिंग कैसे बनेगी? तो लॉजिक बिल्डिंग ना सोचने से बनेगी और उसका, और यह कोड लिखने से बनेगी। जब आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाके काम करेंगे तो वहाँ पे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि एक हद तक ही हम ये केस सिचुएशंस बना के सोच सकते हैं ना। जो ये अभी सिचुएशन है वी आर मेकिंग अप, ये एक्चुअल कोई सिचुएशन तो नहीं है ना, हमने थोड़ा सा सोचा, सोच के बस वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन जब रियल लाइफ की सिचुएशन होती है ना तो उसके बाद फिर क्या होता है वो भी हमें पता चलता है, उसके बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम निकल के आती है वो भी सोचते हैं, फिर और प्रॉब्लम आती है वो भी सोचते हैं, सबको सॉल्व करना होता है और हमारे पास सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे तो मैंने कहा ना, अच्छा यार वो किसान वाली डोमेन है उसको छोड़ के हम कोई दूसरी डोमेन डिस्कस करते हैं जो हमें भी पता है, समझ रहे हो? तो इतना कोई मतलब फिट नहीं होता हमारे गले में, लेकिन जब आप रियल इन्वायरमेंट होते हो ना वहाँ गले में फिट हो जाता है, फिर तो कुछ भी करना है, कुछ ना कुछ करके सॉल्व करना है, वरना फिर वो घर भेज देंगे कहेंगे आप चले जाओ, कोई दूसरा रखेंगे हम जो अच्छा सोच सकता है। ठीक है, तो अच्छा सोचना आना चाहिए हमें, प्रॉब्लम सॉल्वर होना ज़रूरी है। एक कोई बड़ा मशहूर CEO है, मैं उसका नाम भूल गया, वो कहता है कि आई एम नॉट अ CEO, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है ना उसकी डिमांड है, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर हो, कोई भी जगह हो, प्रॉब्लम सॉल्वर की डिमांड होती है। आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा बंदा होता है कि किसी का भी कोई मसला हो ना घर में, कोई किसी की टैंकी लीक हो रही है, किसी का कोई इलेक्ट्रिक का मसला हो गया, तो उसी को ही फ़ोन करता है वो हर काम कर रहा है पूरे मोहल्ले के, तो हर मोहल्ले में ऐसा एक बंदा, तो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो, तो उसकी डिमांड है, उसको लोग जो है ना क्या कहते हैं खिला पिला के अच्छे से कहते हैं यार बस उससे दोस्ती ख़राब ना हो, वरना ये घर के इलेक्ट्रिक के मसले सारे कौन सॉल्व करेगा मेरे। अच्छा, तो हम इसको किसी दूसरे डोमेन पे लगाते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे टेम्परेचर है, एक डेली बेसिस पे हम टेम्परेचर को फेस कर रहे होते हैं। तो आपके पास अगर आपको बाहर निकलना है घर से तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है? अच्छा, हमें तो आमतौर पर इतना नहीं शायद देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टेम्परेचर बाहर जाने काबिल होता है,
लेकिन दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों को लिटरली बाहर निकलने से पहले ना टेम्परेचर देखना पड़ता है कि यार अभी क्या हो रहा है। जैसे वैंकूवर है कनाडा है, उसके अंदर -10 हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, ऐसा थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या लेके निकलना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास 3 डेटा आ रहा है वेदर ऐप से, मुझे 3 चीज़ें मिल जाती हैं, करंट टेम्परेचर, आज का मिनिमम, आज का मैक्सिमम, ये 3 चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये अंदाज़ा लगाना है देखकर कि अभी मुझे बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। तो मैं क्या देखूँगा, मैं ये देखूँगा कि करंट टेम्परेचर क्या हो। मिसाल कितने कितने टेम्परेचर तक बाहर इजिली निकल जाते हो तुम लोग? मैं अगर 10-12 डिग्री तक हो ना, उससे कम ना हो तो मैं इजिली बाहर निकल जाता हूँ, जैकेट वैकेट डाल के घूम फिर लेता हूँ आराम से। उससे कम अगर हो तो फिर मैं भागने की करता हूँ, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है आमतौर पर। अच्छा, और अगर 30 तक हो ना, 30 तक ऊपर में, तो भी मैं आराम से घूम फिर लेता हूँ। लेकिन 30 से अगर ज़्यादा हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है, अब थोड़ा कुछ निकलने की करते हैं। तो ये एक मेरा थ्रेशोल्ड है, हर किसी का ये डिफरेंट हो सकता है, एक मेरा ये थ्रेशोल्ड है यार इतने पे मैं सही रहता हूँ। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया, 3 चीज़ें आ गई, करंट टेम्परेचर, आज का मिनिमम, आज का मैक्सिमम। तो अब इसमें अच्छा टाइम का भी फैक्टर आ गया। मिसाल के तौर पे अभी क्या बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। मैंने देखा कि करंट टेम्परेचर क्या आ रहा है मेरे पास, करंट टेम्परेचर भी देख लेते हैं, 28 शो कर रहा है मेरे पास, ये 28 है करंट टेम्परेचर। अच्छा, और मिसाल के तौर पे साथ में मिनिमम, आज का जो मिनिमम होने वाला है, ज़ाहिर है वो रात को होगा, वो इस वक्त तो नहीं होगा, मज़ीद जब रात होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो मैंने देखा कि -10 होने वाला है। तो अभी तो है 28, लेकिन -10 होने वाला है रात को, ये मुझे पता है, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा अभी, या इतना ही दूर जाऊँगा कि जितने में मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँ। तो अब मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, पहले एक था ना सिर्फ, पहले तो एक था कि टेम्परेचर अगर लेस हो तो निकल जाओ, मोर हो तो नहीं निकलो, डिस्टिंग्विश हुआ हुआ था। अब लेकिन आ गई है रेंज, और टाइम का भी फैक्टर आ गया। तो इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, पहले तो हमने देखा था ना एक एक लाइन होती थी रियल नंबर की, उसमें एक एक करके हम उठाते जाते थे और एक एक को क्लासीफाई कर देते थे किसी में भी, वो कंपैरिजन ऑपरेटर तक उतना काम तो हो जाता है इजिली। लेकिन जब ये वाली बात आ जाती है ना, यानी एक लाइन नहीं है अब 2 लाइन है, उस वक्त एक ही वेरिएबल था ना कि भाई बंदे के परसेंटेज जितना है उससे मैं उसके ग्रेड्स उसके बता देता था, एक ही फैक्टर था परसेंटेज। अब हमारे पास फैक्टर कितने हैं, 2 हैं, एक करंट टेम्परेचर, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, ये 3 हो गया, और एक टाइम भी है, चौथा, 4 है, 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब इस 4 फैक्टर के अंदर, चारों फैक्टर को देखते हुए मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अभी बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आउटिंग के लिए निकल रहा हूँ, आउटिंग के लिए जब आप निकलते हैं दोस्तों के साथ बैठते हैं तो 2 घंटे तो एटलीस्ट बैठते ही हैं आप, ठीक है, 2 घंटे एटलीस्ट आप बैठते ही हैं। तो अब अगर इसकी हम लॉजिक बनाना शुरू करें, यहाँ पर इसी फाइल में ही नीचे कर लेता हूँ, ये लोड शेडिंग वाले को मैं रोक देता हूँ। मैंने कहा मुझे लेट यूज़र से मिलेगा, ये यूज़र से मुझे मिलेगा टेम्परेचर। अच्छा, बाय द वे यूज़र से भी नहीं मिलेगा, ये API कॉल कर सकते हैं हम, रियल टाइम में API हम कॉल करके अभी का वेदर मंगवा सकते हैं। बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं, तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह वो भी, कि वेदर की API कॉल करके वहाँ से डेटा कैसे मंगवाते हैं। तो करंट टेम्परेचर किसी भी सिटी का पूरी दुनिया में, और आज का मिनिमम, आज का मैक्सिमम, ये तीनों पता चल जाएगा। तो मैंने कहा टेम्परेचर अभी जो है वो 28 है, ठीक है, लेट मिनिमम जो है वो क्या है आज का, 24 है मिसाल के तौर पर, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरी करता नहीं कि -10 पे चला जाऊँ, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिमम आज का क्या है, मिसाल के तौर पे 35 होने वाला है आज का मैक्सिमम। अच्छा, और लेट टाइम क्या हो रहा है, अच्छा टाइम हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि 2-3 होंगे टाइम, सही है, अर्ली होगा, सही है, और उसके अलावा मिड होगा कि दिन का दरमियान है अभी, और लेट होगा, ठीक है। तो हमने क्लासीफाई कर लिया, वैसे तो टाइम आवर्स में होता है कितने बज रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने आसान रखने के लिए अपनी लॉजिक को, हमने अभी डिवाइड कर लिया कि यार 3 हिस्से होंगे दिन के, दिन के वैसे 3 हिस्से होते हैं ना, ये 4 होते हैं, 3 वैसे तो जितने मर्जी बना लो, सुबह एक अर्ली मॉर्निंग, एक मॉर्निंग, तो ये 2 बना सकते हो। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि 5-6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं,
फिर मॉर्निंग का मतलब है कि 9, 10, 11 तक भी मॉर्निंग ही होता है, फिर 12 से जो है नून शुरू हो जाता है, फिर नून के बाद आफ्टरनून होता है, तो आई थिंक 2:30 बजे के बाद वो आफ्टरनून कंसिडर करते हैं फिर उसको, तो आफ्टरनून चलता है शाम 6, 6:30, 7 तक, 6 तक शायद आफ्टरनून चलता है, फिर उसके बाद इवनिंग शुरू हो जाता है, 5 तक चलता है आफ्टरनून असर तक ना, उसके बाद फिर इवनिंग शुरू हो जाता है, फिर इवनिंग चलता है शायद 7:30 तक, शॉर्ट होता है सबसे, तो उसके बाद फिर नाइट शुरू हो जाता है, नाइट जो है वो 9, 9:30 तक नाइट है, उसके बाद लेट नाइट है, तो ये जितने पार्ट हम चाहे बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने 3 ही बनाया है, ठीक है, फ़िलहाल हमने क्या किया, 3 बनाया है, तो मैंने कहा कि अर्ली होगा, मिड होगा और अच्छा, अब मुझे चाहिए सबसे पहला इफ, कि इफ अब मेरा थ्रेशोल्ड क्या है, नीचे वाला थ्रेशोल्ड मेरा क्या है 12 डिग्री है मिसाल के तौर पर, और ऊपर वाला थ्रेशोल्ड मेरा क्या है 30 डिग्री है, तो मैं नीचे से भी शुरू कर सकता हूँ, ऊपर से भी शुरू कर सकता हूँ, जैसे रियल नंबर के स्केल पे किया था ना हमने, कि इस तरफ से भी कर सकते हैं उधर से भी, तो मैं मेरे ख्याल है नीचे वाले से शुरू करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि भाई अगर टेम्परेचर जो है ना क्या है छोटा है किससे 12 से, ठीक है, तो क्या बोलो भाई, कंसोल डॉट लॉग डोंट गो आउट, अच्छा लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ क्या है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, मेरे पास अब मिनिमम टेम्परेचर भी है, तो अगर टेम्परेचर तो छोटा है और छोटा होने वाला है, ठीक है, मैंने कहा मिनिमम जो है, अगर मिनिमम जो है आज का वो है छोटा अगर 12 से, या तो अभी 12 है या तो मिनिमम 12 होने वाला है, इसका मतलब है कि मैं निकलूँगा तो हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, तो 12 से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर, तो फिर मुझे इनकन्वीनियंस रहेगा, तो ये 2 फैक्टर तो मैंने इसमें लगा लिए, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर अभी दोपहर का वक्त हो रहा है तो मिनिमम जो है वो कब टच होगा, वो तो इवनिंग में होगा, अगर मिड है डे का तो मैं रात तक तो नहीं बैठूंगा ना आउटिंग पर 2 घंटे के लिए, मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ, मेरा अभी स्पेसिफिक केस है कि मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ, वैसे ये भी वेरिएबल हो सकता है एक कि कितनी देर के लिए निकलना है आपको, तो उसका फिर थोड़ी और लंबी बनेगी लॉजिक, अच्छा तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेम्परेचर अगर छोटा हो और मिनिमम अगर छोटा होने वाला हो, लेकिन मसला ये है कि अब अगर हमारे पास दिन भी मौजूद है तो मुझे इसको भी शामिल करना है, ठीक है, अच्छा तो अब मैं इसको कैसे शामिल करूँगा, एंड लगाऊंगा यहाँ पे मैं, डे जो है टाइम टाइम इक्वल्स इक्वल्स अगर हो लेट, ठीक है, टाइम इक्वल्स इक्वल्स अगर हो रहा है लेट के मतलब शाम हो चुकी है ऑलरेडी, तो डोंट गो आउट, अच्छा अब देखो एक तो ये है, इसमें कितने 2 ऑपरेटर आ गए ना, एक ये और का आ गया बीच में और एक एंड का आ गया, अब इसमें से पहले कौन सा चलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें से पहले कौन सा चलेगा, देखो ये पूरा एक क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक हम ये पढ़ चुके हैं कि मैथ एक्सप्रेशन क्या होता है, ये मैथ एक्सप्रेशन नहीं है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, या कंपैरिजन और लॉजिक का मिक्स है कुछ, बीच में मैथ भी आ सकती है, वेल दिस इज एन एक्सप्रेशन, या इसको टू बी मोर एक्यूरेट में इसको कहेंगे कि यार प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन है, कि किसी प्रोग्रामर ने अपनी बात को एक्सप्रेस किया है, एक लॉजिक लिखी है, तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा, हम ये देख चुके हैं कि मिनिमम ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल टू का साइन है, इसकी भी प्रेसिडेंस होती है कि पहले ये होगा तो बाद में ये होगा, तो ये इसी तरह एंड और की भी क्या होती है, प्रेसिडेंस होती है उसी चार्ट के अंदर, वो चार्ट एक दफ़ा अगर हम और खोल लें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये मैंने वही डॉक्यूमेंट खोल लिया है, तो इसके अंदर एम परसेंट जब मैं लिखूँगा, अरे भाई ये तो बहुत सारे एम परसेंट है इसमें, अच्छा तो यहाँ पे एम परसेंट कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये रहा, ये लॉजिकल और आ गया, नो नॉट नॉट दिस वन, हाँ ये रहा, ये लॉजिकल एंड आ गया, ये लॉजिकल और आ गया, तो हमने क्या देखा
कि लॉजिकल एंड जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो उसको पहले चलाया जाएगा, लॉजिकल और की थोड़ी कम है। इसी तरह लेस देन ग्रेटर देन वगैरह की भी ना यहाँ पे प्रेसिडेंस मौजूद है, तो लेस देन ग्रेटर देन की सबसे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा है, तो लेस देन ग्रेटर देन वन गो में पहले चलेगा, राइट। तो हमें ये पता चल गया कि एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होगा, लेकिन स्टिल हम एम्बिग्यूटी को नहीं रखना चाहते, हम उसको एम्बिग्यूटी को क्लियर करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे कि यार अगर तो टेम्परेचर 12 से छोटा है तब तो पक्का ही नहीं जाओ ना, अभी ही मसला ख़राब हो गया, ठीक है। और अब दूसरी बात में हम जब और लगा के अगली बात देखेंगे ना, तो उसमें दो चीज़ चेक करनी है मुझे कि मिनिमम चेक करना है और डे का टाइम चेक करना है, दोनों जब मैच कर रहे होंगे ना तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ यार अब मुझे नहीं जाना। तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में पैक करूँगा कि इन दोनों को क्या किया जाए, पूरे को एक साथ किया जाए, ठीक है। अच्छा तो अब होगा क्या, देखो अगर तो टेम्परेचर हो गया ना 12 से कम यहीं पे, तो ये अगले वाले को चेक ही नहीं करेगा, यानी और के ऑपरेटर में जब अगर एक ट्रू, क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो बाकी सारे आगे जो भी हों वो फॉल्स होते रहे भले, तो वो चल जाता है। हमने ये देखा है, ट्रूथ टेबल हमने जो देखी थी और की, उसमें क्या देखा था हमने कि अगर एक भी ट्रू हो जाए ना दोनों में से कोई, ये देखो एक भी ट्रू हो रहा है तो ट्रू है, तो इसका मतलब सेंसेबल बात तो ये ना कि पहला अगर ट्रू हो गया है तो अगले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर तो ये वाला केस होगा इसमें कि भाई पहली कंडीशन ये ट्रू हो गई, तो ये और के आगे बढ़ेगा ही नहीं, हो उसके आगे वाले को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अगर ये बात ट्रू नहीं है, अभी अगर 12 डिग्री से ज़्यादा है या 12 है, ठीक है, फिर ये अगले वाले को चेक करेगा। अगले वाले को जब ये चेक करेगा तो चूंकि ये ब्रैकेट में है तो इस पूरे को सॉल्व करके ना ये सिंगल वैल्यू पे इवैल्यूएट करेगा। मिसाल के तौर पे मिनिमम 12 से कम होना चाहिए और या एंड टाइम जो है वो लेट होना चाहिए, ठीक है, टाइम लेट होना चाहिए। तो जब अगर ये दोनों ट्रू होंगे ना तो यहाँ पे क्या इवैल्यूएट होगा, फिर ट्रू इवैल्यूएट होगा। दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ये ओवरऑल ये ब्रैकेट के अंदर ना फॉल्स आ जाएगा, समझ रहे हो लॉजिक बिल्डिंग। ये मुश्किल है, आसान नहीं है, सही है, मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल है, इसीलिए लग रहा है। थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग की हम स्टोरी कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ ना क्लास में पढ़ाई नहीं जा सकती, असल में बात ये है, ये चीज़ जब आप एक्चुअल काम करते हैं जभी आपको समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आती आपको ये। अच्छा तो हम इसको थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अच्छा मैं टाइम को अगर एग्जैक्ट टाइम उठा लेता ना कि अभी सिस्टम में क्या टाइम हो रहा है, तो वो टाइम मिली सेकंड में मिलता है, उसको कन्वर्ट करते हैं, AM PM का चक्कर होता है, वो सब एक अलग कहानी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा डेट और टाइम के ऑब्जेक्ट भी ना थोड़े से देखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल होता है चैटबॉट में, तो जावास्क्रिप्ट में डेट और टाइम को कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखना है हमें थोड़ा सा। अच्छा तो ये हो गया। अच्छा एल्स इफ, कि अगर तो हो गया ये वाला फॉल्स, ये वाली चीज़ अगर नहीं हुई कि टेम्परेचर अभी 12 से बड़ा भी है और अगर मिनिमम छोटा था भी तो अभी टाइम लेट नहीं है, अभी टाइम लेट नहीं है। अच्छा तो अब अगली कंडीशन मैंने क्या चेक करनी है बाहर जाने से पहले, इन चार वेरिएबल्स को जहन में रखते हुए, अच्छा इसको मैं दो में भी कर सकता हूँ, मतलब ये जो मैंने और लगाया हुआ है ना इसको मैं यहाँ से हटा के नीचे भी ला सकता हूँ, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ क्या भाई, अगर अभी तो डायरेक्ट छोटा है तो एक इफ में ये अलग कर दिया, डोंट गो आउट, एल्स इफ में मैंने जो आगे की कंडीशन थी ना वो एल्स इफ में लगा दिया मैंने, ठीक है, कि मिनिमम 12 से छोटा हो एंड टाइम लेट हो तो भी डोंट गो आउट। ये कोड रिडंडेंट हो रहा है मेरा, यानी डोंट गो आउट मैंने दो बार लिख दिया इससे, लेकिन मतलब एक ही चीज़ है, मैं आगे और करके लगा दूँ ब्रैकेट में या इसको अलग से लिख दूँ, एक ही बात है। अच्छा अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अच्छा ये नीचे वाली सारी साइडें कवर हो गई हैं, ये नीचे वाली साइड पे कुछ रहता है, हमने नीचे से शुरू किया ना, हमने कम टेम्परेचर से स्टार्ट किया है कि कम टेम्परेचर की जो जो कंडीशंस हो सकती हैं वो पहले हमने हैंडल करनी है। तो क्या कम टेम्परेचर वाली कोई कंडीशन अभी भी रहती है इसमें,
क्या कम टेम्परेचर में कोई ऐसा फैक्टर अभी भी रहता है कि जो अगर वो हो तो मैं मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए? सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ कम टेम्परेचर वाली कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इवनिंग ट्रेनिंग मतलब? हाँ नहीं, अभी तो वो वेरिएबल है नहीं हमारे पास, अभी इस वेरिएबल पर डिसाइड करना है, अभी इसी वेरिएबल को देखते हुए करना है। मेरा भी ये कहना है कि मिनिमम में बस यही लॉजिक थी हमारी और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं मैक्सिमम वाले की तरफ कि अगर टेम्परेचर जो है क्या हो, बड़ा हो जाए 30 से, ठीक है तो डोंट गो आउट। सही है, और एल्स इफ अगर टेम्परेचर जो है क्या हो जाए, सॉरी मैक्स जो है, मैक्स अगर क्या हो जाए, बड़ा हो 30 से, मेरा 30 था ना थ्रेशोल्ड, मेरा थ्रेशोल्ड 30 था, तो अगर मैक्स जो है वो 30 से बड़ा हो जाए, ठीक है मैक्सिमम आज के दिन में 30 से बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर ऑलरेडी शाम हो चुकी है तो इट डजेंट मैटर। तो कब मैटर करेगा, अगर 30 से बड़ा मैक्सिमम है तो ये मुझे किस वक्त देखना चाहिए? अगर मैं मॉर्निंग में हूँ ना तो मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है और मैक्सिमम जो हिट होता है वो दोपहर में होता है, तो अगर इस वक्त अर्ली है और टेम्परेचर क्या होने वाला है, मैक्सिमम 30 से ऊपर जाने वाला है, तो मुझे ये चेक करना है कि टाइम अभी जो है वो क्या है, इक्वल्स इक्वल्स होना चाहिए अर्ली के। ठीक है, अभी मेरे क्योंकि 3 है तो अर्ली में मैं काउंट कर रहा हूँ कि दोपहर 11 तक जो है वो अर्ली को ही काउंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर वो काउंट करूँगा। अच्छा तो मैंने कहा भाई अगर मैक्स 30 से ऊपर जाने वाला है एंड अभी जो दिन का टाइम है वो अर्ली है, इसका मतलब है अभी आगे आएगा, अदरवाइज अगर इवनिंग हो चुकी है ऑलरेडी तो 30 तो था मैक्स लेकिन अब तो वो गुजर गया, अब तो नहीं होगा 30, अब रात वाला मिनिमम को फिर मैं देख रहा। तो इसमें भी मैंने क्या बोला कि भाई डोंट गो आउट। ठीक है, अच्छा ये मैं अलग अलग इफ में जो लगा रहा हूँ ना, एक अलग इफ, एक अलग इफ, एक अलग इफ, ये चार इफ लगा दी है मैंने, ये चारों को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, और लगा के ना चारों को एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल अभी मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। अच्छा एल्स अच्छा अभी मैंने कंडीशन जो लगाई है वो मुझे कब नहीं जाना चाहिए उस पर लगाई है, लेकिन कब मुझे जाना चाहिए उस पर भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या चेक किया है, मैंने आउटर बाउंड्रीज उसकी चेक की हैं कि जो मेरा थ्रेशोल्ड है उससे बाहर की बाउंड्रीज चेक की हैं, मैं इसको अपोजिट अंदर की बाउंड्रीज पे भी लगा सकता था कि भाई टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला ना टेम्परेचर अगर छोटा है 12 से तो मैं इसको ये भी बोल सकता था कि टेम्परेचर अगर बड़ा है 12 से तो गो आउट, और एल्स में फिर मैं जब सारी कंडीशन अंदर वाली चेक कर लेता तो फिर लास्ट में आके बोलता कि भाई चल भाई अब नहीं जाना बाहर। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आउटर बाउंड्रीज पे लगाया है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही कोड को लिखने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कोडिंग में कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये कोड ऐसे लिखा जाएगा, अलग अलग बंदे उसको अलग अलग तरह से लिखेंगे और रिजल्ट भी सही अचीव होगा, सेम अचीव होगा। ठीक है, आप 10 लोगों को बिठाएंगे ना, प्रोफेशनल डेवलपर 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले, और उनको आप एक चीज़ बनाने के लिए देंगे, 10ों का कोड एंटायरली डिफरेंट होगा, एंटायरली डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही अलग अलग होगा, लेकिन जो रिजल्ट आपने कहा कि यार ये अचीव होना चाहिए वो सबसे अचीव हो रहा होगा। तो यही वजह है कि इसको लिखने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, और यही है असल प्रोग्रामिंग, लॉजिक बिल्डिंग जो है यही असल प्रोग्रामिंग है। मिसाल के तौर पर जो ए सी पीछे आपके लगा हुआ है इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग हुई हुई होगी ना, मैंने बटन से दबा के मैंने कह दिया 24 डिग्री पर सेट हो जाओ तुम, अब 24 डिग्री से जब नीचे जाएगा कमरे का टेम्परेचर तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। ठीक है, लेकिन साथ में वो कुछ दूसरे फैक्टर भी रखता है, अगर मॉड उसका चल रहा है ड्राई, अगर ड्राई मॉड
तो वो फिर क्या करेगा, वो कूलिंग बंद कर देगा लेकिन हवा चलाता रहेगा, हवा को नहीं बंद करेगा वो, क्योंकि हवा से ही तो वो ड्राई को ड्राई कर रहा है। जब बारिशें जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे लोग एसी में ना ड्राई मोड बहुत यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ नहीं करते, ड्राई मोड यूज़ करते हैं वहाँ पे लोग। तो उसमें वो क्या करता है, वो टेम्परेचर अगर नीचे चला जाता है ना तो हीटर भी ऑन कर देता है, हल्का सा हीटर भी ऑन हो जाता है, क्योंकि इस एसी में हीटर भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर में। तो वो हल्का सा हीटर ऑन करता है बिल्कुल मामूली सा, और वो घुमाता रहता है, उससे वो ड्राई हो जाता है, हवा में नमी ना कम हो जाती है। हवा में नमी जब कम होती है तो उससे भी एक कम्फर्ट मिलता है, ख़ास तौर पे गर्मी के दिनों में। असल में एसी ज़्यादा जो एफिशिएंसी कर रहा होता है वो इसी तरह कर रहा होता है कि गर्मी के दिनों में अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो उसको डिक्रीज़ कर देता है, तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होने से ऑटोमेटिक मौसम ठंडा हो जाता है, और थोड़ी सी वो जो गैस के ज़रिए भी ठंडक करता है जो उसके अंदर हीलियम भरा हुआ है। तो ये सारी ना इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग कंडीशन लगी हुई है कि अगर ऐसा हो और साथ में ये भी हो तो फिर क्या करना है, और अगर ऐसा हो और साथ में ये भी हो रहा हो तो क्या करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर से एक चीज़ कंपेयर होगी बस, कि अगर ये चीज़ फलां से कम है तो ये कर दो। एक एक वेरिएबल पे अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर से हो जाता है, लेकिन दो तीन वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल हैं, दोनों को नज़र में रखना है तो उसमें फिर लॉजिक है, सही है, उसमें फिर लॉजिक लगानी पड़ती है। और लॉजिक जो है, जाहिर है लॉजिक बिल्डिंग अभी तक सीख रहा हूँ मैं, आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं लेकिन लॉजिक्स जो है, हर प्रॉब्लम की लॉजिक अलग होती है, डिफरेंट होती है, और इसी पॉइंट पे आके बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग से पना मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट कहने का ये है कि ये करने से आने वाली चीज़ है, ये क्लास में आपको पढ़ाई नहीं जा सकती। मैं कितनी सिचुएशन यहाँ पे सिमुलेट करवा दूँगा, एक दो तीन चार, लेकिन हर सिचुएशन में अलग होती है, ठीक है। अच्छा, ये लॉजिकल ऑपरेटर थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास, ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा, ये हमारे साथ साथ चलेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एग्जाम्पल में इसको शामिल रखूँ, मेरी कोशिश रहेगी है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी हो, लॉजिक बिल्डिंग की हो। लेकिन स्टिल एक पॉइंट ऐसा आएगा इस कोर्स में, जब आपकी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी जावास्क्रिप्ट और सर्वर वगैरह थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यार अब जाके ना आप इंटरव्यूज़ देना शुरू करें। आप कहें मुझे जावास्क्रिप्ट का डेवलपर होना, ठीक है, आप जाके इंटरव्यूज़ देना शुरू करें। तो इंटरव्यूज़ जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या डिमांड मांग रहे हैं। चैटबॉट डेवलपर जब आप लिख के भेजेंगे ना कंपनी को ईमेल कि मैं चैटबॉट डेवलपर हूँ, जैसे ही हम चैटबॉट पढ़ना शुरू करेंगे ना, उसी दिन मैं आपसे चैटबॉट डेवलपर की प्रोफाइल बनवाऊंगा लिंक्डइन पर, और आप सब लोगों को कहूँगा कि अप्लाई करें, पूरे कराची में जितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं ना सब पे ईमेल भेजें, और वो आपसे बुला के आपसे कहेंगे यार ऐसा चैटबॉट बना दो, वैसा चैटबॉट बना दो। अगर कोई आपसे कहे ना कि फ्री में आके बैठ जाओ मेरे पास काम करो, और आपके पास आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास इतना अवेलेबल, तो आप मैं कहूँगा जाके बैठ जाएँ, क्योंकि रियल वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, रियल वर्क प्लेस के अंदर जो चीज़ें आप सीखते हैं वो क्लास में सिखाना पॉसिबल नहीं है। क्लास में एक हद तक मैं पढ़ा सकता हूँ, उसके आगे नहीं पढ़ा सकता। क्लास होती भी 2 घंटे की है, वहाँ पे आप 8 घंटे बैठते हैं, तो एक जगह 8 घंटे बैठोगे, एक जगह 2 घंटे बैठोगे, तो फ़र्क तो फिर भी है, ठीक है। घर में होता नहीं है कुछ, घर में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो ये हमने थोड़ी सी ना लॉजिक बिल्डिंग देखी है, और एल्स में जाके मैं उसको बोलूँगा के डॉट लॉग वेदर लुक्स ओके, यू कैन गो आउट। तो मैंने लास्ट पे आके बोला कि भाई वेदर क्या है आपका, ऐसा लग रहा है कि वेदर सही है, जा सकते हो बाहर। अच्छा, इसमें मैंने कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं छोड़ी कि जब वो एल्स में पहुंचेगा तो वेदर अच्छा नहीं है फिर भी वो एल्स में पहुंच गया, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है? इसको चेक करने का एक ही तरीका है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं इसको टेस्ट करूँ डिफरेंट वैल्यूज़ देके, तो अगर कहीं मिस्टेक होगी तो वो खुद ही निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको टेस्ट करूँ डिफरेंट वैल्यूज़ दे देंगे। मिसाल के तौर पे ये 4 वेरिएबल है ना, अब ये 4 वेरिएबल में मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे देंगे, चेक करूँगा इसको, इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने एक ये वेरिएबल का सेट बनाया और इस पे मैंने लिखा कि इस वेरिएबल पे क्या आना चाहिए, इस वेरिएबल पे क्या आना चाहिए, टाइम अर्ली है, मैक्सिमम 35 होने वाला है दोपहर को, तो इस पे क्या आना चाहिए, गो आउट आना चाहिए, डोंट गो आउट, गो आउट कैसे, टाइम अर्ली है, सुबह का टाइम हो रहा है, मैक्सिमम 35 जाने वाला है, मेरे थ्रेशोल्ड से ऊपर है, इस पे फॉल्स आना चाहिए,
ठीक है, तो इस पे इस कंडीशन के सेट पे फॉल्स आना चाहिए, ये मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया, पता है ना मुझे, मैंने ही तो लिखी है कंडीशन। अच्छा मैं इस तरह के ना दो चार और बना लूँगा, इसको मैंने कॉमेंट किया, इसको मैंने कॉमेंट किया, और मैं ऐसे दो चार और बना लूँगा। फिर मैंने कहा कि अब एक ट्रू वाला बनाते हैं। ट्रू वाला क्या है भाई, कि दिन का मिड है, इसी सेट ऑफ टेम्परेचर में अगर दिन का मिड हो चुका है, ठीक है, और दिन के मिड में क्या हो चुका है टेम्परेचर 35 की पेशेंट हुई थी लेकिन गया 30 तक ही है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, टेम्परेचर इस वक्त 30 है, मैक्सिमम भी 30 है, यानी मैक्सिमम पे इस वक्त अपने, तो इस पर ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे चार पाँच मैं लगा कर देखूँगा, और जब ये चार पाँच लगा कर देखूँगा, अलग अलग मैं सोचूंगा, जितना भी सोच सकता हूँ, 10, 12, 15, 50, 100 इस तरह के मैं टेस्ट लिख लूँगा। और जब भी मैं इस कोड में कोई चेंजेस करूँगा ना, तो मैं एक एक को अनकमेंट करूँगा, कोड रन करूँगा, एक एक को अनकमेंट करूँगा, कोड रन करूँगा। अच्छा ये तो मैनुअल है ना, बिल्कुल ही मैनुअल है। यूनिट टेस्टिंग के बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जो इस क्लास में हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो कर यही रहे होते हैं असल में, वो इस चीज़ को ऑटोमेट कर देते हैं। ये जो हमने वेरिएबल खुद से बनाया हुआ ना, हाथ से कमेंट अनकमेंट करेंगे, इसको उन्होंने ऑटोमेट किया हुआ होता है। उसमें आप एक एक उसको लिस्ट बता देते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, पूरी लिस्ट आप डिफाइन कर देते हैं पहले, और आप बटन दबाते हैं वो खुद करता है पीछे पर, वो खुद वो वैल्यू पुट कर करके ना उसका आंसर लगाता है। आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी बता देते हैं कि ये जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, इसमें ट्रू आना चाहिए। तो अगर ट्रू नहीं आया तो वो उसको रेड निशान बना देगा कि ये फेल हो गया, ये वाला टेस्ट ना फेल हो गया। तो आप फिर अपनी लॉजिक में देखेंगे कि अच्छा है ये क्यों फेल हो गया, अपनी लॉजिक को आप इम्प्रूव करेंगे ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी मैंने आपको बता दिया कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। अच्छा तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, और जब तक के लिए आपके पास सोचने के लिए ये टाइम है, और इसको सोचें आप। और अगेन इतना जो मैंने बनाया है, इसमें मे बी आप मिड के साथ साथ क्या ऐड कर सकते हैं, जो पांच हमने डे टाइम डिस्कस किए थे कि डे में पांच वक्त भी हो सकते हैं, कि अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, आप वो मे बी इसमें ऐड करके उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्ड करके लाएं घर से मे बी, या आप इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम के अलावा ह्यूमिडिटी भी शामिल करें, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, अभी जो टेम्परेचर और अभी जो ह्यूमिडिटी है, ये दोनों मिल के बनता है रियल फील। रियल फील पता है ना, टेम्परेचर जो एक तो है 30, लेकिन ये फील कितना होगा आपको जब आप बाहर निकलेंगे, तो फील कितना होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है, अगर आप तो वो रियल फील काइंड ऑफ इसका 34 बनेगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो, ठीक है। तो हर वेदर ऐप में ना आप देखेंगे एक रियल फील एक बना हुआ रहा होता है कि ये टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी के सेट पे आपको फील क्या होगा। तो मे बी आप इसमें रियल फील वाला एक वेरिएबल ऐड करें, ठीक है, और उसके बाद आप बनाएं। अच्छा तो जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो आपको ऐसे नहीं बनाना है जैसे ये मैंने बनाया है, आपको बनाना है फॉर्म एक, उसमें चार फील्ड्स होंगी, वहाँ पे आप हाथ से टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे कि चेक, और वो आपको रिजल्ट बताएगा, ठीक है। और रिजल्ट में अगर आप ऐसे करके बता दें कि टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा होने वाला है 2 घंटे बाद, इसलिए आप मत जाओ, तो और बेहतर है, ठीक है। तो ये लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस होगी सारी, जो ये आपको मैंने बताई है ना, अगर आप ये कर रहे होंगे तो आप ये सारी लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।